गाइज, गूगल वेरिफिकेशन जो वेरीफाइड कॉल है जो गूगल ने तीन यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा जो उन्होंने शेयर किया है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे गाइज कि ये कहाँ पे फ्यूचर हमको मिलेगा और क्या क्या काम करेगा। सारी डिटेल मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जो इस तरह का लोगो आपको देख रहे हैं यहाँ पे, आपको ऊपर लिखेगा वेरीफाई कॉल यानी फॉर बैंकिंग ग्लोबल। अगर आप बैंकिंग से ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक से लेके अगर कोई कॉल आता है तो नीचे कॉल रीजन भी दिखाई देगा कि कन्फर्म ट्रांजेक्शन एक्टिविटी को कन्फर्म करने के लिए बैंक के तरफ से इस तरह का लोगो आपको दिखाई देगा और इस तरह के का कॉल आएगा आपके पास। उसके बाद गाइज यहाँ पे आता है दूसरा, देख सकते हैं फ्लाई हाई एयरलाइंस। तो यहाँ पे जब फ्लाई करते हैं यानी जहाज से उड़ते हैं या आप ट्रैवल करते हैं कहीं पर भी, तो अगर उससे रिलेटिव आपको कॉल आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको रीजन दिया गया है कि फ्लाइट टाइम चेंजेस, अगर चेंजेस होता है फ्लाइट में तो आपको इस तरह का लोगो दिखाई देगा और यहाँ पे रीजन और वेरीफाइड यानी कॉल से यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ ये रियल में एयरपोर्ट से ये जो है कि कॉल हमको आया हुआ है। तो आपको यहाँ पर धोखाधड़ी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर टू डोर डिलीवरी यानी आप कोई डिलीवरी करते हैं या कोई फूड का या किसी भी प्रकार का आप डिलीवरी करते हैं, आपको नीचे कॉल रीजन भी दिखाई देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि योर फूड डिलीवरी, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ लोगो दिखाई देगा येलो कलर में और आपको ये चीज़ का विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये वेरीफाइड कॉल है। अगर ऊपर यहाँ पे ट्रिक दिखाई दे रहा है, जो यहाँ ट्रिक देख सकते हैं जो यहाँ पर नीला ट्रिक ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर इस ट्रिक ये ट्रिक नहीं आता है तो आप समझिए कि ये वेरीफाइड कॉल नहीं है, ये फ्रॉड कॉल है जो हमारे पास आया हुआ है। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका गूगल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला एप्लीकेशन है गूगल फोन का एप्लीकेशन, तो इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए गाइज आपको क्या करना होगा, आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना होगा जो क्रोम ब्राउजर है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा गूगल फोन बेटा ऐप। जब गूगल फोन बेटा ऐप सर्च करेंगे गाइस, तो यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से यहाँ पे समझ सकें। तो यहाँ फर्स्ट में ही दे रहा है फोन ऐप बेटा गूगल प्ले, आपको इस पर क्लिक करना है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है, वहाँ से भी आप इजीली इसे डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले और इंस्टॉल द पब्लिक वर्जन ऑफ ऑन गूगल प्ले। तो आप चाहें तो पब्लिक वर्जन जो है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं नीचे वाले पर क्लिक करके। जब नीचे वाले पर क्लिक करेंगे गाइज तो सीधे प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोन बेटा का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फोन बेटा जो होगा अगर डाउनलोड किए होंगे तो अपडेट मांगेगा, नहीं तो इंस्टॉल यहाँ से कर लीजिएगा। तो मैं इसे फिलहाल अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो दे रहा है डेवलपर कॉन्टैक्ट में बेटा टेस्टर, यहाँ पे मिल रहा है लीव का ऑप्शन। लीव वाले ऑप्शन में आपको क्या करना होगा गाइस, ज्वाइन हो जाना होगा क्योंकि यहाँ पर न्यू न्यू अपडेट जो है कि आता रहता है, न्यू न्यू फ्यूचर आता है कॉल से रिलेटिव। यानी आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आता है तो पता चल जाएगा, यानी गूगल क्या करेगा सभी कॉल को वेरीफाई करने के बाद ही आपको बता देगा कि यहाँ पे एक कॉल फ्रॉड है या नहीं है। इस तरह का फीचर इन्होंने लॉन्च किया है जिससे आप बच सकते हैं। तो गाइज इसको हम ओपन कर लेंगे। जब इसे ओपन करेंगे तो सेम इंटरफेस कुछ इस तरह आपके सामने शो हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे शो हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे थ्री डॉट जो दिखता है यहाँ पे जाना है। आप ऊपर कॉल हिस्ट्री भी देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देखेंगे आपको मिलता है डिस्प्ले का ऑप्शन। अगर डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सॉर्ट बाय फर्स्ट नेम या नेम फॉर्मेट, चूज थीम, यहाँ पे आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आता है, क्विक रिस्पॉन्स का ऑप्शन आता है। क्विक रिस्पॉन्स में अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप बिजी हैं या क्या है, तो इस तरह से यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है कॉलिंग अकाउंट का ऑप्शन, तो यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट में ऑल कॉलिंग अकाउंट पर अगर आप क्लिक करते हैं गाइस, तो हमें आप जो है कि यहाँ पे ऑल कॉलिंग जो है कि एक्टिवेट हो जाएगा। और सिम नंबर भी है, यहाँ पे सिम जो है कि ब्लॉक करना है या नहीं करना है, किस नंबर को यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग यानी वेटिंग वेब सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है वॉइस मेल का ऑप्शन, यहाँ पे ब्लॉक नंबर का भी ऑप्शन आता है, जहाँ से आप किसी को भी ऐड करके ऐड पर क्लिक करके इसे सीधे ब्लॉक कर सकते हैं।
असिस्टेंट डायलिंग का ऑप्शन आता है, उसके बाद आता है गाइज यहाँ पे कॉलर आईडी एंड स्पैम का ऑप्शन, और उसके नीचे आता है आपको नरबडी प्लीज, और यहाँ पे अबाउट टर्म एंड प्राइवेसी और एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आता है। तो हमें क्या करना है, कॉलर आईडी एंड स्पैम वाले ऑप्शन में जाना है। जब कॉलर आईडी एंड स्पैम में जाएंगे दोस्तों, तो अभी देखेंगे यहाँ पे दो ही फ्यूचर दिखा रहा है, सी कॉलर एंड स्पैम आईडी, और उसके बाद दे रहा है फिल्टर स्पैम कॉल। ये दो ही अगर चाहें किसी कॉल को फिल्टर करना तो यहाँ पे इनेबल कर देंगे, तो उसके बारे में आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो मैं इसे फ़िलहाल बंद करता हूँ। अभी यहाँ पर तीसरा अपडेट नहीं सेट हुआ है जो गूगल वेरीफाइड कॉल्स का है, लेकिन यहाँ पे मैं एक दूसरा स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गूगल वेरीफाई कॉल। ये यहाँ पर इस दोनों के नंबर के नीचे ही आपको तीसरा नंबर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कुछ ये फ्यूचर काम करेगा, और जो है कि आपके मोबाइल में बहुत जल्दी जो कि हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और गाइज ये पब्लिक वर्जन 10 दिन में पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा। गाइज अगर इन जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा आपको न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।